गाड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? ये सवाल आजकल सबके दिमाग में है, लेकिन इस सवाल के पीछे दिमाग किसका है ये हम आपको बताते हैं। यशराज मुखाते एक म्यूजिक वीडियो क्रिएटर हैं और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं, साथ ही यूट्यूब पर वीडियोस को रिक्रिएट करके पोस्ट करते रहते हैं। वैसे तो यशराज इंस्टाग्राम पर फनी वीडियोस बनाने के लिए भी फेमस हैं और उनके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन इस बार रसोड़े में कौन था, इस सवाल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इससे पहले भी उन्होंने कई स्टार्स की ऐसी ही फनी वीडियोस पोस्ट करी है, जिनमें से एक राखी सावंत की चरसल्ली गर्दुल्ली वीडियो भी पोस्ट की थी। तू क्या है, तू क्या है, चरसल्ली गर्दुल्ली तू क्या है, चरसल्ली गर्दुल्ली तू क्या है, चरसल्ली गर्दुल्ली तू क्या है, जो कि आप सबको भी देखनी चाहिए। यशराज औरंगाबाद के रहने वाले हैं और 24 साल के हैं। साथ ही यशराज ने इंजीनियरिंग भी की है, लेकिन यशराज ने अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहा। यशराज 3 साल की उम्र से ही म्यूजिक के लिए पैशनेट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ भी स्टेज शेयर किया था और उनसे म्यूजिक सीखने की ठानी। बाद में उन्होंने गिटार और कीबोर्ड बजाना शुरू किया और उन्होंने खुद का एक स्टूडियो भी बनाया, जहां वो दिन के 12-12 घंटों तक काम करते रहते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग उन्होंने अपनी माता को खुश करने के लिए की, लेकिन म्यूजिक के लिए उनका प्यार उन्हें ज्यादा दिन रोक नहीं पाया और उन्हें रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। लगातार उन्हें फोन और मैसेज आ रहे हैं और उनके इस मजेदार काम के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल रसोड़े में कौन था ये डायलॉग एक टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया से लिया गया है, जिसमें सास कोकिला बहन अपनी बहू गोपी से पूछती है कि रसोड़े में कौन था, जिस पर गोपी बहू डरते हुए बताती है कि रसोड़े में राशि बहन थी। हालांकि ये टीवी सीरियल काफी टाइम पहले स्टार प्लस पर प्रसारित होता था और लोगों को काफी पसंद भी था, लेकिन रसोड़े की कहानी से एक बार फिर से सीरियल के कलाकार को लोग याद करने लगे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद रूपल पटेल, जिन्होंने कोकिला बहन मोदी का रोल प्ले किया था, उन्होंने यशराज को फोन कर वीडियो की काफी तारीफ की, जिसके बाद से यशराज अपने काम को लेके काफी खुश हैं। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि रसोड़े में कौन था, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।